एंड वेलकम बैक टू अनअकैडमी क्लैट. आई एम पूर्वा चौधरी एंड आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट बिगिनर्स प्रेपरेशन फॉर क्लैट 2025. जो सारे स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th में हैं और वो सोच रहे हैं कि वो एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम देंगे इन द नियर फ्यूचर, तो आपके लिए ये एक बिगिनर्स गाइड वीडियो है जहाँ पे हम काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कैसे आप एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक क्लैट, एलेट, स्लैट एक्सेट्रा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है टू गेट टू नो द एग्जाम. आप एग्जाम को जानिए कि आखिरकार आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, स्टेप नंबर वन इज योर गेटिंग टू नो द सिलेबस ऑफ द एग्जाम. आपको पढ़ना क्या पड़ेगा उसमें, राइट? देन इज योर पैटर्न ऑफ द एग्जाम. एमसीक्यू है, ऑफलाइन है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, राइट? और फिर आपके आते हैं क्वेश्चन टाइप्स, योर पास्ट ईयर एनालिसिस. ये तीन स्टेप्स जब आप कर लेंगे तब आप एक्चुअल में डिसाइड करेंगे कि आखिरकार आप सच में तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं या नहीं, राइट? आपको एक गोल फॉर्म करना है अपने माइंड में. आर यू विलिंग टू पुट इन द एफर्ट? डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू एस द एग्जाम, राइट? तो ये तीन स्टेप्स डिसाइड करेंगे, तो ये तीन स्टेप्स आपके डिसाइड करेंगे आपका एक क्लियर गोल बन रहा है या नहीं, राइट? सो यू हैव टू गेट टू नो द एग्जाम. जो भी आप एग्जाम एम करें, क्लैट हो गया, एलेट हो गया, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्वेश्चन टाइप्स है, इन सभी फैक्टर्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे, अनअकैडमी क्लैट पे, राइट? तो सिंपली चैनल को एक्सप्लोर करना है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डेडिकेटेड वीडियो के साथ मिल जाएगी. प्रॉपर सिलेबस डिस्कस किया, एग्जाम पैटर्न किया है, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, राइट? सो दिस इज योर स्टेप नंबर वन. इसके बाद क्या स्टेप है? स्टेप नंबर टू इज एक्चुअली जब आपने डिसाइड कर लिया है कि जी हाँ मुझे ये एग्जाम देना है 2 साल बाद, राइट? तो अब मैं किस लेवल से तैयारी करूँ? क्या मैं जोरों शोरों से अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ के इसी में लग जाऊँ, हैं? रोज की रोज न्यूज़पेपर पढ़ूँ, रोज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, है ना, मैं लॉयर बन जाऊँ एकदम से, राइट? तो बेसिक लेवल से कैसे हमें धीरे धीरे करके स्टेप्स लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ. तो आपने जब डिसाइड कर लिया है कि जी हमें लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग अ मोर अवेयर इंडिविजुअल, राइट? यू हैव टू बिकम मोर अवेयर. अवेयरनेस क्या होती है? कि आपको पता है आसपास क्या चल रहा है, राइट? तो इसका सबसे पहला आपके जो चीज पता होनी चाहिए, दोज आर योर करंट अफेयर्स, की आजकल क्या चल रहा है सोसाइटी में. और वो हमें कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर रीडिंग से, राइट? अब मैं ये नहीं कह रही आप न्यूज़पेपर को एकदम फर्स्ट टू लास्ट पेज पढ़िए, पूरा यू नो एकदम निचोड़ लीजिए, स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर. धीरे धीरे आपको रीडिंग हैबिट डालनी होगी, राइट? तो थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना है जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं, राइट? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई आपकी लीगल न्यूज़ है, राइट? लीगल इवेंट्स हैं, उनमें आपको इंटरेस्ट लेना है, राइट? एंड इसमें आपका स्टैटिक जीके भी आ ही जाता है, क्योंकि इन दोनों में एक लिंक होती है. जो करंट में हो रहा है उसमें स्टैटिक सब कुछ जुड़ा होता है. जैसे अभी एक लेटेस्ट हैपनिंग क्या है, न्यू पार्लियामेंट बनाए, राइट? अब पार्लियामेंट क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स है, लोकसभा, राज्यसभा, राइट? सो आपका पूरा लेजिस्लेचर का जीके इसमें कनेक्ट हो गया. तो ऐसे इंटर रिलेशन होता है करंट अफेयर्स और जीके का. द मोर यू आर अवेयर, द मोर यू विल बी एबल टू लिंक योर करंट नॉलेज टू योर स्टैटिक नॉलेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है? तो आपको यही करना है. अच्छा जी, एंड यहाँ पे ये ए क्या है, दीज आर योर एप्स. न्यूज़पेपर तो है ही है, एक बहुत फाउंडेशन से लेके एंड तक, फर्स्ट सीडी से लेके 100th सीडी तक एक चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है आपका न्यूज़पेपर. क्योंकि सीधा उठा के आपको एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछता है आपका क्लैट, राइट? सो न्यूज़पेपर्स एंड लीगल न्यूज एप्स और करंट अफेयर एप्स, वो अगेन मैंने सारी सोर्सेस वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं. दीज आर सम फैक्टर्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड योरसेल्फ इनटू अ मोर अवेयर इंडिविजुअल. आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे, डेवलप रीडिंग स्किल्स. अगर आप क्लैट का एग्जाम एनालाइज करेंगे, नाउ इट इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग. द मोर यू आर एबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, यानी कि अंडरस्टैंड, द मोर यू आर एबल टू आंसर एक्यूरेटली, राइट? सो रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है. रीडिंग स्किल्स कैसे आएंगी? जब सिटिंग हैबिट होगी, है ना, जो शांति से बैठ के टेक्स्ट
टेक्स्ट को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, ये नहीं कि दिमाग कहीं है, दिल कहीं है, सोच कहीं है, राइट? सो सिटिंग हैबिट और रीडिंग स्किल्स दोनों इंटर रिलेटेड हैं, एंड साथ में आपका स्किल्स में क्या आ जाती है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं. सो रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि अगर आपने ये दो जोड़ दिया तो आपका मोस्टली पूरा पेपर पास है, राइट? सो रीडिंग एज वेल एज योर अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए आरसी हो गया ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? तो एस क्या है आपका? सोर्सेस लाइक योर न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, लीगल न्यूज, करंट अफेयर्स, इवन योर फिक्शनल बुक्स, वॉट एवर यू आर डूइंग. ठीक है, आपको आदत होनी चाहिए लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ने की. इवन योर एनसीईआरटीज, जो भी आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी आपको हेल्प कर रही है ये हैबिट डेवलप करने में, राइट? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ने से भागना नहीं है, बिकॉज एनीवे एंड में जाके जब लॉयर बनोगे तो बहुत सारे केस लॉस पढ़ने पड़ते हैं, राइट? केस स्टडीज पढ़नी पड़ती है, एक्चुअल में अप्लाई करने होते हैं प्रोविजंस अपने केस पे. तो दिस इज ऑल विच इज गोइंग टू हेल्प यू, प्रैक्टिकल है ये. फोर्थ स्टेप, स्टार्ट विद लीगल नॉलेज. नाउ दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, ऐसा ये किसी ने नहीं कहा, मेरी राय है, राइट? लीगल नॉलेज क्या है? एक सेक्शन है आपकी क्लैट में. अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे मैथ्स क्यों नहीं बोला, इंग्लिश क्यों नहीं बोला, आपका लॉजिकल रीजनिंग क्यों नहीं बोला, अभी मैं आगे बताऊँगी. लीगल नॉलेज इसलिए बोला है क्योंकि ये एक तो बहुत न्यू है और दूसरा जितना आप समझेंगे उतना फायदे में रहेंगे, राइट? द मोर यू रीड द मोर यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, सो इसमें काफी ज्यादा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं टाइम के साथ साथ. न्यू कॉन्सेप्ट विच कैन बी इंप्रूव्ड, एंड यहां पे आपका आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन जितना अच्छे से, जितना बेसिक से करेंगे उतना आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, राइट? और भी इसमें काफी सिलेबस है, राइट? अब ये हमें कैसे करना है, PYQs देखने हैं पहले, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दूसरी आपकी बुक है AP भारद्वाज, वहां से बेसिक्स सीखेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट? एंड बाकी इन डेप्थ बुक्स मैंने आपको सोर्सेज वाली वीडियो में बता दी है. तो लीगल नॉलेज एक ऐसी चीज है जिससे आप पकेंगे नहीं, आपको लॉ में इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना? आपको एक वो आग लगी रहेगी कि हाँ मुझे लॉयर बनना है, क्लैट देना है, राइट? सो लीगल नॉलेज से आप शुरुआत कर सकते हैं. उसके बाद नाउ टॉकिंग अबाउट, मैंने और सेक्शंस क्यों नहीं बोले, क्योंकि हमें वो इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं हम, राइट? जब आप जो मैंने स्टेप्स बताए वो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, एनालाइज करना. अभी रीड किया टेक्स्ट, फिर अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्रिहेंड किया, है ना? एंड फिर क्या किया, एनालाइज किया. और एनालाइज करके क्वेश्चन क्या बोलेगा, अप्लाई करो जो क्वेश्चन पूछा है, अप्लाई करो इस टेक्स्ट को. एनालिसिस में क्या आ जाता है कि ये जो आपने पढ़ा इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इन्फरेंस क्या है, राइट? अगर ये एक स्टेटमेंट है तो ये जो आपने इधर टेक्स्ट में पढ़ा क्या ये इसके सिंक में है या ऑपोजिट है, राइट? सिनोनिम एंटोनिम की तरह. सो दिस इज योर एनालिसिस, राइट? और ये कहाँ पे होगा, हर जगह होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग से लेके, आपका लीगल रीजनिंग से लेके, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तक पूरा पेपर एनालिटिकल स्किल से ही भरा हुआ है. नाउ द मोर यू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप GMAT लेवल के, कैट और GMAT लेवल के सॉल्व करेंगे, मैंने बुक बताई हुई है सोर्सेज वाली वीडियो में, तो इसकी ट्रिक्स भी पता चलेगी, एक हैंग भी आएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट? सो दीज आर योर 5 सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने एक बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, राइट? जब भी आप सोच रहे हैं क्लैट देने की, राइट? अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है कि आप कैसे तैयारी करेंगे क्लैट जैसे लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स की, तो अनअकैडमी के ऑफर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस टाइम, एंड बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं. प्राइस ड्रॉप हो चुका है, महा सेविंग्स जस्ट गॉट एक्सटेंडेड. आपको 50% प्लस 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिलेगा. आपको कोड लगाना है पूर्वा POORVA 2022, राइट? ये कोड आप लगाएंगे तो आपको ये
ऑफर अवेल हो जाएगा. सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. टॉकिंग अबाउट द प्राइस विच आई वॉज मैंशनिंग, 6 months प्लस 1 month एक्सटेंशन का है 28,000 rupees, 12 months का है 40,000 rupees. राइट, अगर आप बाहर ऑफलाइन कोचिंग्स ट्राई करेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दीज. राइट, एंड अगर हम बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो यहीं पे 7 months का 41,600 हो जाता है, 12 months का 54,000. राइट, यू कैन अवेल माई कोड पूर्वा 2022 टू अनलॉक द सेम. सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. देन ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट इज हियर. आपको अपनी क्लैट प्रेपरेशन की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपके मॉक टेस्ट दे. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. जून 4th को है 2 PM ये मॉक टेस्ट, एंड अगर आपका काफी अच्छा स्कोर आता है यू कैन विन फ्री स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1.25 crore. सो डेफिनेटली एनरोल फॉर द सेम, मौका मिस क्यों करें. साथ ही साथ क्लैट के प्रिंटेड मॉक टेस्ट पहुंच सकते हैं आपके घर पे. सो स्टार्ट योर क्लैट प्रेपरेशन विद अनअकैडमी. 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा आपका पेपर आएगा, डिलीवर्ड राइट टू योर डोरस्टेप. ये है आपका ऑल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड 9 months एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन पे ऑलरेडी अवेलेबल है. सो सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. देन अगर मैं टेस्ट सीरीज के कैलेंडर की बात करूँ, यहाँ पे आपको सारे ही जो टेस्ट्स हैं मोस्टली इसमें फ्री हैं. आप देख सकते हैं क्लैट का है, DU LLB का है, राइट, अगेन क्लैट का है, ये पूरा आपका मे का लिस्ट है. राइट, एंड जून की तो हम बात कर ही चुके हैं. ये है हमारा ऑनगोइंग लेवल अप बैच फॉर ऑल दी क्लैट क्लैट MHSET, LSAT, SLAT 2024 aspirants के लिए. राइट, सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. यहाँ पे आपको 400 प्लस टीचिंग आवर्स मिलेंगे, 100 आवर्स ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस मिलेंगे, मंथली कंपेंडियम एंड नोट्स मिलेगा. राइट, ये लाइव मॉक टेस्ट भी होंगे साथ में 35, एंड लाइव डाउट सॉल्विंग होगी विद आर टॉप एजुकेटर्स. टॉकिंग अबाउट द वॉरियर्स बैच जो मे में ही रिसेंटली शुरू हुआ है फॉर ऑल दी क्लैट 2024 aspirants, राइट, ये सारे ही आपको बेनिफिट्स यहाँ पे भी मिलेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CUET PG DU LLB के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपका जो क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल है अनअकैडमी पे. सारी ही डिटेल्स आपको लिंक्स में मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल द बेस्ट. सो और भी बहुत सारी वीडियोज हैं चैनल पे, यू कैन एक्सप्लोर इट. You are at Unacademy CLAT, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स क्रैक इट.